कार्बोनिल कंपाउंड, सो व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड? सो सी हियर, अ फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बन आइटम इज अटैच टू एन ऑक्सीजन आइटम बाय अ डबल बॉन्ड एंड अ रिमेनिंग टू वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम आर फ्री आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब ये क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें जो ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या रहेगा जो कार्बन रहेगा वो ऑक्सीजन से अटैच रहेगा बाय अ डबल बॉन्ड, जो एंड जो कार्बन रहेगा वो कैसा रहेगा उसकी जो वैलेंसी रहेगी वो कैसी रहेगी, फ्री रहेगी, दो बॉन्ड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप इज क्लासिफाइड इनटू सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइप्स, ओके, डैट इज अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड्स, असाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। सो फर्स्ट इज अल्डिहाइड। सो अगर आप इसमें देखोगे अल्डिहाइड में तो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपको क्या है कार्बोनिल ग्रुप है। सो अल्डिहाइड में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और एक अल्काइल ग्रुप रहेगा आर और एक यहाँ पे एच रहेगा, मतलब अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सी एच ओ। देन कीटोन, अगर आप हर एक फंक्शनल ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ तो सब में रहेगा, दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप में सब में प्रेजेंट रहेंगे एंड हर एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपका आर आर अटैच होगा, दैट इज़ अल्काइल ग्रुप। एंड अल्डिहाइड में पूरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा सी एच ओ, यहाँ पे सी ओ आर एंड हियर कार्बोक्सिलिक एसिड सी ओ ओ एच, हियर ईस्टर में सी ओ ओ आर, अमाइड्स में सी ओ एन एच टू, असाइल हैलाइड सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। हैलाइड क्या होता है आपका एक्स, मतलब यहाँ पे आपका कोई भी हैलोजन ग्रुप आ सकता है एक्स की जगह पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी आ सकता है। देन एसिड एनहाइड्राइड में आपका देखिए यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो दो बार है, ठीक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है एंड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है एंड बीच में आपका ऑक्सीजन अटैच रहेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड।